चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो जो लोग वहां प्रेजेंट सर कह रहे हैं वो यहां भी आने चाहिए ना। चलो तो बेसिकली स्टार्टिंग में अपने को ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, तो इसमें अपने को यदि आवाज सुनाई देगा, कोई प्रॉब्लम सॉरी कोई डिस्टरबेंस आएगा तो बताना है, ठीक है। मेरी तरफ से तो नहीं आएगा, लेकिन कोई आपकी तरफ से आता है तो जरूर बताएं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, ठीक है। ठीक है ना, किसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, ठीक। ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या है पूरे चैप्टर में वो अभी हम लोग समझेंगे। फाइनली तो इंट्रोडक्शन के तौर पे इसमें हम बता देते हैं कि क्या क्या अपने को पूरा चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले तो अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें कि मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड। अब ये मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये चीज है इसमें। उसके बाद है टर्मोलॉजी, कुछ कुछ अलग अलग टाइप का टर्मोलॉजी आता है इसमें, यूज होता है एक नए चैप्टर में आपको ये इसमें, मतलब इस चैप्टर में एक नए टर्मोलॉजी के तौर पे नजर आएगा। जनरली क्या होता है कि मिलता जुलता आपको नजर आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें नए टर्मोलॉजी के तौर पे नजर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली ये चैप्टर पूरा कंप्लीट एक तरह से अलग आ जाता है, ठीक है। हाँ, मिलता जुलता कहाँ से है, किससे मिलता जुलता है, तो ये अपना जो अपना चैप्टर है बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, उससे मिलता जुलता है, उससे कुछ थ्योरी जो है वो मिलते जुलते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाता है, ये पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम कैसे लिखते हैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस तरीके से बॉन्डिंग उसमें होगा, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, कितने टाइप्स के बॉन्ड उस कॉम्प्लेक्स में मिल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले, हो सकता है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड भी मिले, सिनर्जिक बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग मिलने के चांसेस हैं। अब इसी में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही अपने को पढ़ने को मिलता है वार्नर्स थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये एक दूसरे के जस्ट बाद ही है। पहले ने जो थ्योरी दी उसमें जो भी कमियां आई, जो भी ड्रॉबैक आया, उसको पूरा किया दूसरे थ्योरी ने, तो जस्ट सेकेंड थ्योरी आया, फिर उसकी कुछ कमियां रह गई, उसको कंप्लीट किया तीसरे ने, तो उसके बाद फिर तीसरे वाला थ्योरी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज हो गया, जिसमें हम लोग कलर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कलर के बारे में जानेंगे, कलर कैसे चेंज होता है, स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, मेटेलिक बिहेवियर के बारे में जानेंगे। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है अपने को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ यूजेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। आई बात समझ में, किस तरीके से हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट कैसे है, क्या है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सॉल्ट बेसिकली जो होगा आपका, ठीक है, सॉल्ट जो बेसिकली होगा वो हम लोग किस तरीके से सॉल्ट बनता है, क्लास टेंथ में ही पढ़े हैं कि जब एसिड, ठीक है, जब एसिड और बेस को मिलाएंगे, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है।
और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। याद होगा क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो कि एसिड और बेस के मिलने से होता है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्ट है। ठीक है, जनरली वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्ट कहलाता है। और कंपाउंड विच कंटेन्स बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल, हम ऐसा भी कह सकते हैं, वैसा कंपाउंड जो क्या कंटेन करे, एसिडिक रेडिकल कंटेन करे और साथ ही साथ क्या कंटेन करे, बेसिक रेडिकल कंटेन करता हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में आ जाए तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सॉल्ट के बारे में। तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन किसके किसके बीच में होगा, तो एक ही एसिड रहेगा और एक ही बेस रहेगा, इनके बीच में यदि न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका HCl और NaOH, HCl एंड क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक, तो एक एसिड है और एक क्या है आपका, बेस है। एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। तो दोनों के बीच में यदि हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl और वाटर। तो NaCl यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्ट है। एकदम आसानी से समझना है, कॉम्प्लेक्स पे हम लोग जाएंगे, पहले सिंपल वाला तो समझ ले, उसके बाद हम बात करेंगे किस सॉल्ट के बारे में, तो नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें भी मतलब सिंपल सॉल्ट में भी आपका आ जाता है नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट किसको कहते हैं, ठीक है, सिंपल सॉल्ट में ही ये टाइप है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट किसको कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट उसको कहते हैं जो फॉर्म्ड होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। जैसे OCl2, Na2SO4, मतलब सिंपली नॉर्मल NaOH, HCl जैसे अभी हम लोग किए थे, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। अब एक आता है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, जिसमें यदि H+ की मात्रा है या बढ़ जाए एक तरह से, ठीक है, एसिडिक मात्रा ज्यादा रहे, वैसे सॉल्ट को यानी एसिड बेस रिएक्शन के दौरान एसिडिक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाया और एसिडिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ रह गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आपका, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, कंटेंस H+ आयन, तो एसिडिक कैरेक्टर रह गया तो क्या शो करेगा, H+ आयन। ठीक, और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaHSO4, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट का एग्जाम्पल, जैसे NaHSO4 ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, एच, देखिए एच है यहाँ पे, तो H+ आयन कंटेन करता हुआ नजर आएगा। बेसिक सॉल्ट भी इसमें क्या कंटेन करेगा भाई, इसमें कंटेन करेगा OH- आयन। ठीक है, जैसे CaOHCl, तो ये क्या है, बेस का जो OH है वो ये कंटेन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। उसके बाद यदि हम लोग आगे जाते हैं तो आगे जो सॉल्ट है उसमें आपको मिलता है मिक्स्ड सॉल्ट। पहला नॉर्मल सॉल्ट हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट, हमारे लिए जो जरूरी है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानना जरूरी है। तो मिक्स्ड सॉल्ट में क्या हो जाता है, सभी को सुनाई दे रहा है ना, एक बार हमको बता दें, साहिल, साक्षी, श्लोक, सुनाई दे रहा है क्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट क्या हो जाता है, तो ये कहता है कि फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एसिड और बेस। इससे पहले वाले में क्या था, सिंपल में क्या था कि केवल एक ही टाइप का हम लोग सॉल्ट ले रहे थे, मतलब एक ही टाइप का एसिड और एक ही टाइप के बेस से मिलने से क्या होता था, नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बोलता है ये फॉर्म्ड करेगा किससे, तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, लेकिन मोर देन वन एसिड, ठीक है, या फिर बेस पार्टिसिपेट करेंगे, एक से ज्यादा या तो एसिड रहेगा, नहीं तो एक से ज्यादा आपको क्या नजर आएंगे, बेस नजर आएंगे। और कंटेन, या भी ऐसा भी कह सकते हैं कि कंटेन मोर देन वन कैटायन और एनायन, एक से ज्यादा आपको कैटायन और एनायन मिलने की चांसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2SO4 NaOH KOH, तो यहाँ देखेंगे ये बेटा कौन सा पार्ट है, ये आपका एसिड वाला है। ठीक है,
ये आपका बेस है और ये भी आपका बेस है, ठीक, मोर देन वन बेस हो गए। अब यहाँ पे बनता क्या है, NaKSO4+2H2O। तो यहाँ पे ये आपका बन रहा है सोडियम पोटासियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम पोटासियम सल्फेट, ये आपका फॉर्मेशन होता है। और जब इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा अपने को, Na+K+SO4-2, इस तरीके से ये ब्रेक करने पर मिलता है अपने को। दूसरा यदि हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना बेस हो गया, ठीक है, HCl एसिड हो गया, ठीक है, HOCl क्या हो गया आपका, एसिड वाला पार्ट हो गया। अब दो एसिड आ गए यहाँ पे और एक क्या आ गए बेटा आपका, बेस आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, CaOCl2, ठीक है, और प्लस वाटर। ये जो सॉल्ट बना ये किससे मिल करके बना है, दो एसिड और एक बेस, न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ है। तो इसको यदि हम लोग ब्रेक करेंगे आयंस में, इसको ब्रेक करेंगे आयंस में, तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन, साथ ही साथ OCl- और साथ ही साथ Cl-, इस तरीके से ये ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे अगला टर्म जो है इसमें, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में क्या है कि व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट, यहां से ध्यान से एकदम सुनना है क्या हम बोल रहे हैं, कहता है कि जब दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय वेट, उसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। समझ में आया क्या हम बोले, यदि दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स केमिकली कंबाइन करेंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय वेट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखना है, जैसे कि यदि हम कहें तो ये K2SO4, ठीक है, सॉल्ट है, L2O ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ठीक है, और +24H2O। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, K2SO4.L2SO4.24H2O। तो ये इस तरीके का जो सॉल्ट आपका बनता है, इसको हम लोग मॉलिकुलर एडिशन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो अभी बना उसका नाम क्या है, पोटास एलम, एकदम जहन में बैठा लेना है, ये बना क्या, पोटास एलम, बार बार आएगा K2SO4.L2OSO4.24H2O। और ये 24H2O बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये क्या है, कितना होता है, दिखता है कितना, कितना नहीं होता, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, दैट इज डबल सॉल्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। अच्छा, डबल सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो सॉल्ट से मिलकर के बना है, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर के बनेंगे तो उसको हम लोग मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। यहाँ दो सॉल्ट से मिलकर के बन रहे हैं तो वो क्या हम लोग कह रहे हैं, उसको डबल सॉल्ट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि KCl+MgCl2 और साथ ही साथ क्या है, 6H2O है बेटा, ये H2O है, ठीक है, 6H2O। तो ये बन क्या जाएगा, KCl+MgCl2+6H2O, ठीक है, और इसको कहते हैं कार्नेलाइट, इसका एक अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड कार्नेलाइट, ठीक, समझ में आया। उसके बाद यदि हम देखें अगला जो एग्जांपल है, FeSO4+NH4+4SO4+6H2O, ठीक है, तो यहाँ फिर से ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, और ये जो बनेगा FeSO4.NH4+2SO4.6H2O, और इसको मोर सॉल्ट कहते हैं। ध्यान में रखना है ये सब का सब जो हम एग्जांपल लिए हैं और इसमें जो बनने वाले कंपाउंड हैं, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, यानी कि पोटासियम भी, ठीक है, कार्नेलाइट भी, और साथ ही साथ मोर सॉल्ट भी, ये सब का सब इम्पॉर्टेंट है और बार बार इस चैप्टर में घूम करके आने वाला है। तो यदि आप फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं, फॉर्मूले को याद रखते हैं, तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है कि FeCn2, जैसे फॉर एग्जाम्पल FeCn2+4KCn, तो ये बन जाता है FeCn2+4KCn, ऐसा बनता है। इसमें रिएक्शन K2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 4NH3 का,
तो CuSO4 डॉट 4NH3 बनता है। AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaCN के साथ, तो बनता है AgCN डॉट NaCN। तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और बेसिकली यदि हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये डबल सॉल्ट, अभी जो ऊपर में एग्जांपल दिए हैं टोटल डबल सॉल्ट का, वो क्या बोला है। तो वो बोला है क्या डबल सॉल्ट, कि सॉल्ट विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है, क्या बोलता है, वैसा सॉल्ट विच आर स्टेबल, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, बट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यदि वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है, तो उस तरीके के सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहते हैं। ध्यान में रखना है इंडिविजुअल आयन विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड ईच आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट। ध्यान में रखना है पॉजिटिव टेस्ट कहता है, ध्यान से समझना, कि जो हर एक आयन जो रहते हैं वो अपना पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल आयंस, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, मतलब अपना, मतलब जो भी उनका कैटायन का जो भी रहेगा, जैसे Ca+2 का जो भी आपका उसका जो आइडेंटिटी रहेगा वो उसमें शो करेगा ही करेगा, ठीक है, Fe+2 है, Fe+3 वो शो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि वो शो नहीं करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब जिस आयन से मिलकर के वो बना है वाटर में डिजोल्व करने के बाद, एक्वस में लाने के बाद, सारे के सारे वो शो करने लगेंगे। जैसे कि NaCl को पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- शो करने लगता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो डबल सॉल्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे K2SO4 है ना, K2SO4.Al2, ठीक है, Al2SO4 का होल 3 डॉट, ठीक है, होल 3 डॉट 24 H2O। तो ये जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये सॉल्ट है, जब इसको हम लोग एक्वस पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीट ब्रेक होगा एक एक आयन में, जैसे कि ये K2SO4, तो ये किस में टूटेगा, 2K+ +SO-2, Al2SO4 3, ये किस में टूटेगा, तो 2Al3++3SO4-2, ये इसमें ब्रेक करेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां से, अब देखो, अब फिर हम सबको किए, यहां से एरो दे करके आगे बढ़े, तो क्या बनेगा, ये टूट करके 2K++2Al+3+4SO4-2 ये बनेगा। अच्छा, ये हम जो कह रहे थे कि अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो इसका हम एग्जांपल भी यहाँ कर दिए हैं, कि बेसिकली ये सॉल्ट एनालिसिस में भी देखने को अपने को मिलेगा, कि यदि हम Al+3 है उसको यदि हम रिएक्शन करवा दे किसके साथ, NH4OH और NH4Cl इनके साथ, ठीक है, तो ये बनता है AlOH का होल थ्राइस, और जो कैसा होता है आपका वाइट PPT के तरह होता है, ठीक है, ग्लिटेनाइन थोड़ा सा ये अजीब आपको मिलता है दिखने में, बस ध्यान में रखना है कि वाइट PPT जो मिलता है, वाइट PPT मिलता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसने अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दिया, दैट्स व्हाई ईच आयंस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। SO4 है, तो SO4 का यदि हम लोग बेरियम Ba+2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो BaSO4 बनता है, एंड BaSO4 कैसा हो जाता है आपका, ये भी आपका वाइट PPT के तरह, मतलब वाइट PPT बनता है। तो SO4- ने भी अपना क्या किया, पॉजिटिव टेस्ट दिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं ये वाला KCl-MgCl का होल 2 कार्नेलाइट वाला, याद आ रहा है, हाँ, इसको यदि हम करेंगे तो K+Mg+2 और 3Cl- में, इसका यदि हम लोग पास करवाते हैं Na2, ठीक है, NH4PO4 के साथ, ठीक, तो ये बन जाता है Mg-NH4PO4 और ये भी वाइट PPT बनता है, यानी कि Mg+2 भी अपने आयंस का क्या दे रहा है, पॉजिटिव टेस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। Cl की बात करें तो Ag के साथ रिएक्ट करने पे क्या बन जाता है, Ag+ के साथ AgCl विच गिव्स वाइट PPT, ठीक है। एज यूजुअल हम लोग मोर सॉल्ट की बात करें तो ये भी ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, तो FeSO4 इधर नजर आ रहा है, इसमें ब्रेक होगा और ये इसमें ब्रेक होगा इसको। अच्छा, Fe+2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, Fe+3 में, और Fe+3 में कन्वर्ट होता है, और उसमें यदि हम फिर से NH4OH NH4Cl मिलाते हैं तो FeOH बनता है, ठीक है,
FeOH बनता है, और FeOH कैसा रहता है बेटा, तो आपका FeOH जो रहेगा वो रेडिश ब्राउन पीपीटी आपका मिलता है। ध्यान में रखना ये सब कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये एमोनिया NH4 प्लस, ये यदि NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, तो ये NH3 का फॉर्मेशन करता है, दैट इज एमोनिकल स्मेल इसमें से आता है, ये भी अपना टेस्ट दे रहा है। और SO4-2 इसका बेरियम के साथ फिर ऊपर वाला आ जाएगा, पहला वाला एग्जांपल BaSO4 बनेगा विच गिव्स वाइट पीपीटी। तो कंप्लीट आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये डबल सॉल्ट जो है, ठीक है, अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट, ये केवल बोल नहीं रहे हैं, आपको करके दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट किस तरीके से देता है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भाई, तो बोलता है वैसा सॉल्ट जो कि स्टेबल रहेगा सॉलिड स्टेट में, साथ ही साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी। यानी एक सॉलिड में तो वो अपने आयंस का टेस्ट देगा नहीं, लेकिन लिक्विड में यानी कि एक्वस फॉर्म में भी वो अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देने वाला है। बात समझ में आया, एक्वस में भी वो अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देने वाला है, ये चीज आप एकदम ध्यान से समझ ले, ठीक है। ठीक है, वो पॉजिटिव आपका नहीं देगा, ये चीज तो क्लियर है। उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं। कहता है कि सम ऑफ आयंस, ठीक है, सम ऑफ आयंस विल लूज दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दैट इज दे विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि कुछ आयंस होते हैं जो कि अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और वो अपने टेस्ट, अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं किसी दूसरे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। कैसे, तो ये कुछ ऐसा है कि याद करेंगे कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल दिए थे, तो दिए थे FeCN का होल 2 प्लस 4 KCN, और इसमें बना क्या था, बना था FeCN का होल 2 प्लस 4 KCN और K4FeCN का होल 6 ऐसा। तो बेसिकली ये नजर जो आ रहा है ना वो ऐसा बनता है K4, ठीक है, K4 और ये FeCN का होल 6, ये है बेटा आपका एक्चुअल। और इसको यदि हम लोग डिजोल्व करेंगे यदि वाटर में, तो ये ब्रेक होगा 4K+, ठीक है, और साथ ही साथ किस में ब्रेक होगा आपका, ब्रेक होगा FeCN का होल 6 और ये -4 में कन्वर्ट होगा। यानी कि इसने ये जो K+ है ये तो बेटा आयन में टूटा, ये तो अपना पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन ये भी आयन में है लेकिन ये कंप्लीट नहीं टूटा, Fe नहीं टूटा, Fe अंदर ही रह गया, अपने को Fe भी चाहिए था, CN नहीं बाहर आया, CN भी चाहिए था, CN- भी चाहिए था, कंप्लीट ब्रेक होना मांगता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए ये कहलाया कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाता, ब्रेक हो जाता, डिसोसिएट हो जाता, तब ये फिर क्या कहलाने लगता, फिर वही डबल सॉल्ट जो है वो कहलाने लगता, लेकिन ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन के तौर पर ये कहलाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल CuSO4.4NH3, इसको कैसे लिख सकते हैं, CuNH3 का होल 4 और SO4, इसको भी यदि हम डिजोल्व करेंगे पानी में तो ये क्या देगा, CuNH3 का होल 4 प्लस 2 और साथ ही साथ आपका क्या देगा SO4, ठीक है, SO4-2। तो ये तो दे रहा है, इसका यदि हम बेरियम के साथ करवाएंगे तो BaSO4 बनेगा, वाइट पीपीटी बन जाएगा, लेकिन इसका किसके साथ करवाएंगे, यानी कि इसमें क्या है, Cu को अपना देना चाहिए था और NH3 को अपना देना चाहिए था, दोनों ने नहीं दिया है, ठीक है, दोनों ने नहीं दिया है, मामला गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, तो ये भी बेटा क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। और एग्जांपल देखें AgCN, ठीक है, NaCN के साथ करेंगे तो AgNa AgCN का होल 2, इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, फिर से ये वाला बन जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा।
अब रिप्रेजेंटेशन कुछ सीख ले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं इस तरीके से ब्रैकेट में बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन सीख ले कि क्या होता है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, एक्स ए ब्रैकेट में एम एल एन और ये रहेगा बी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि ए एक्स जो है बेसिकली ये वाला पार्ट जो होगा वो सिंपल कैटायन होगा। क्या होगा बेटा? सिंपल कैटायन। और जो बी बी एम एल एन और पावर माइनस ए, ये क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स एनायन। बेसिकली हम लोग पावर कैसे लिखते हैं, तो ये जो बी है इसका जो क्या है वो इसके चार्ज में आ जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे ना, जब तोड़ेंगे तो जो बी है वो इसके चार्ज में आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस बी, यहाँ जो लिखा हुआ है, और ए कहाँ आ जाएगा? ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका ए जो है वो आ जाएगा चार्ज में, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये प्लस, यदि ये प्लस बी हो गया है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस बी, माइनस बी हो जाएगा। और ये जो एन ये जो बी है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है लिखने का तरीका है, आप देख लेंगे थोड़ा सा एक नज़र और अच्छे से। तो ये है रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक्स जो है, जिसमें, ठीक है, जिसमें एक्स जो है वो क्या है बेटा, वो मेटल आयन है। एक्स क्या है? मेटल आयन। एम एल एन माइनस ए जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। एम क्या है? तो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जिससे सारे जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स में, जो लगे हुए हैं, लिगेंड है, या फिर अभी लिगेंड आपके लिए नया नाम हो जाएगा, जो भी जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो सॉरी जो भी जुड़े हुए हैं मिडिल एटम से, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। लिगेंड, लिगेंड वो हो गया जो सेंट्रल मेटल एटम से चारों तरफ जुड़ा हुआ रहेगा, वो आपका कहलाएगा लिगेंड। एन नंबर ऑफ लिगेंड, ए निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, और बी इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग और आगे बढ़ते हैं, टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी भी बताना है आज। तो टर्मोलॉजी में हम लोग क्या देख रहे हैं, टर्मोलॉजी में सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? तो कहता है वैसा पार्ट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मेटल और मेटल आयन विथ कैटायन और एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल सा है कि ये वैसा पार्ट रहेगा जो कि कॉम्प्लेक्स, जो कि डिजोल्व कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान में रखना है अभी तुरंत कि 10 मिनट बाद टाइम आउट होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, और तुरंत हम लिंक फिर भेजेंगे और आपको तुरंत फटाक से ज्वाइन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुरंत हम कट करेंगे, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलें, ठीक है। अभी हम तुरंत कट करेंगे थोड़े देर में और लिंक भेजेंगे, दोबारा आपको तुरंत ज्वाइन करना है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, देख लो जी, मैसेज किए हैं, देख लो। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स जो है आपका, कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या हम बताएं कि किसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स? बेसिकली जो वाटर में डिसोसिएट ना हो कम्प्लीटली, वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायन हो, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या रहे, न्यूट्रल रहे। ये तीनों की संभावनाएं हैं। अब तीनों दिखने में कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम लोग आगे जानेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। क्या बेटा? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो कहता है कि इट इज एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड,
बेसिकली लिगेंड पे जो चार्ज रहेगा, ठीक है, और मेटल आयन पे जो चार्ज रहेगा उसका एग्रीगेट सम जो रहता है उसको हम लोग चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन मानते हैं। मतलब सपोज दैट मान लेते हैं लिगेंड का चार्ज है -2 और Fe पे है +2, ठीक है, तो ये सारा जोड़ घटाओ करके ऐसा समझना है, उसके बाद जो चार्ज बचता है दैट इज द मेन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, मेन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब वो जो चार्ज नजर आएगा, यानी समझ में आ रहा है, ये इसका Fe का कुछ चार्ज हो जाएगा, CN का कुछ चार्ज हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, और उनको उनका एल्जेब्रिक सम लेकर के अपने को फिर बाद में जो आएगा फाइनल वही उस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज माना जाएगा। अब इसमें देखेंगे, ये हम एग्जांपल लिए हुए हैं K3FeCN का होल 6, तो ये वाला पार्ट समझना आप, नया नया टर्म फिर से आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है बेटा, ये वाला पार्ट को कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्या पढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी तो फॉर्मेशन होना चाहिए, तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, कंप्लीट एंटिटीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, और बीच में जो एटम महाराज बैठे हुए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम इन शॉर्ट फॉर्म CMA। ये जो CN है, जो 6CN नजर आ रहा है, तो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है 6CN, इसको कहते हैं लिगेंड, और ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जनरली किस बॉन्ड से नजर आएगा आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और ये 6 जो है ये क्या बताता है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम से, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये छोटे मोटे अपना जो है ये आपका आ रहा है। इसमें अब आपको क्या देखना है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है भाई? आयोनाइजेशन स्फीयर, तो क्या बोला है आयोनाइजेशन स्फीयर, कि वैसा पार्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो कि प्रेजेंट रहता है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या रहे, बाहर प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग काउंटर आयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग काउंटर आयन भी कहते हैं, और फ्री आयन या फिर आउटर आयन के नाम से जानते हैं, और ये आयोनाइजेबल इन नेचर होता है, यानी कि अपने आयन्स का, अपने चार्ज का कंप्लीट पॉजिटिव टेस्ट देने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर कौन था? तो जो K था, यहाँ पे जो हम लोग देखे नहीं थे, ठीक है, ऊपर आपके नोटबुक में भी है K3, ठीक है, Fe, ठीक, CN का होल 6, ये वाला था। तो ये वाला जो K4 ये था ना, हाँ, तो ये वाला पार्ट जो है, यानी कि 4K+, ये जो आपका टूटेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कहता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में जब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है, आपस में जब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मेशन करता है। ध्यान में रखना है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच होंगे तो वो वाला पार्ट जो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और ये हमेशा लिखा जाएगा आपका किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। किसमें लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये ध्यान में रखना है, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी ये आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि यदि आयोनाइज होता तो ये भी अपने चार्ज का पॉजिटिव टेस्ट देता, लेकिन आयोनाइज नहीं हो रहा है इसलिए अपने चार्ज का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पा रहा है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम बेटा क्या होता है? तो मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो मेटल की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है और लिगेंड उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। और खास बात यह है कि नॉर्मली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वही सेंट्रल मेटल एटम की भूमिका निभाते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, और फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का।
क्यों? इसका रीजन भी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए किस तरीके के किस तरीके के मेटल्स की जरूरत पड़ती है। तो मेटल का जो जरूरत पड़ता है उसमें होना क्या चाहिए कंडीशन, कि स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव उसका काफी हाई होना चाहिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। इतना यदि है तो वो सेंट्रल एटम बनने के काबिल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये सारे चीजें आसानी से अपने को मिल जाती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, जिसके कारण, ठीक है, डी ब्लॉक में, जिसके कारण जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बात करें हम लोग लिगेंड की, तो लिगेंड का बात करें तो लिगेंड क्या होता है, ये न्यूट्रल कैटायोनिक एटम या फिर एनायनिक हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस चीज का फॉर्मेशन करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड के नाम से जानते हैं। नॉर्मली लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ने को मिलेगा। जनरली 95% चांसेस में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 5% लेता है, तो वो अलग केस है, पढ़ेंगे। इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट आइदर डी ऑर्बिटल और इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो वैकेंट और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो या तो किसमें करेगा? अपने डी ऑर्बिटल में, और नहीं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करता है। सेवेंथ पॉइंट यदि हम बात करें तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन CMA एंड लिगेंड, दैट इज कॉल्ड क्या? सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तुरंत भी बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जितने भी लिगेंड रहेंगे, जितने भी बॉन्ड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ये भी आसान सा है कि इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का, तो जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा सेंट्रल मेटल एटम पे +2 -2 Cr+2 Fe+2, ठीक है, Sc+, ऐसा कुछ करके।